हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे हाईवे इंजीनियरिंग जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 6, और उसका नाम क्या था प्यारे बच्चों? हिल रोड, ठीक है ना। तो हिल रोड्स के बारे में हमने बहुत सारा चीज पढ़ा है, जैसे कि उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़े, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़े। अब हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों टाइप्स ऑफ कर्व प्रोवाइडेड ऑन अ हिल रोड। हिल रोड में कितने तरीके के कर्व प्रोवाइड किए जाते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले बच्चों, जनरली जो आपका हिल रोड में तीन प्रकार के कर्व प्रोवाइड किए जाते हैं। पहला का नाम है आपका हेयर पिन कर्व, आपका क्या नाम है? हेयर पिन कर्व। दूसरा का नाम है साइलेंट कर्व्स, एंड तीसरा का नाम है आपका री इंट्रेंट कर्व। तो पहले बच्चों बारी बारी से हम तीनों कर्व्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हेयर पिन कर्व्स। पहले बच्चों हेयर पिन कर्व देखिए, अब देखिए पहले बच्चों ये मान लेते हैं इस तरह से आपका, मान लेते हैं पहले बच्चों इस तरह से आपका हिल रोड था। अब इस तरह से आपका जा रहा है ना, इस तरह से आपका इस तरह से घूमना भी है। हिल रोड का मतलब समझ है ना, पहाड़ी इलाका होगा तो घूमना भी है। तो प्यारे बच्चों अगर वो अपना डायरेक्शन 180 डिग्री से चेंज कर, मतलब इस तरह से जाते हुए ऊपर चला गया, देखिएगा प्यारे बच्चों क्या कर रहे हैं, फ्लाईओवर तो देखे होंगे ना, इस तरह से जो फ्लाईओवर बना देता है। तो नीचे से जाते हुए अपना डायरेक्शन एकदम 180 डिग्री से चेंज करते हैं, वैसे कर्व को कहा जाता है आपका हेयर पिन कर्व। हमने क्या बोला, ऐसा कर्व जो अपना डायरेक्शन 180 डिग्री से चेंज करता है, वैसे कर्व को कहा जाता है आपका हेयर पिन कर्व। हेयर पिन कर्व इसलिए कहा जाता है बेटा, आप लड़की लोग को देखे होंगे बाल में हेयर पिन लगाते हुए, बाल में हेयर पिन लगाते हुए, तो जैसा शेप उसके हेयर पिन का होता ना, लड़की लोग जो बाल में लगाती है ना हेयर पिन, जैसा शेप उसका होता ना, वही शेप इस कर्व का भी होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों जनरली ये शेप है आपका हेयर पिन कर्व का, ये शेप है, ऐसा ही कर्व होता है, ऐसा ही शेप होता है आपका, आपका जो हेयर पिन लगाती है लड़की लोग, इस तरह से देखिए, इस तरह से चुट्टा होगा, इसके अंदर अपना बाल को फंसा लेगी, इसके अंदर अपने बाल को इस तरह से फंसा लेगी, ठीक है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे हेयर पिन कर्व का। तो इट इज द कर्व विच चेंजेज इट डायरेक्शन थ्रू एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। क्या बोले हम प्यारे बच्चों, हेयर पिन कर्व ऐसा कर्व है जो अपने डायरेक्शन को 180 डिग्री से चेंज कर लेता है। नेक्स्ट, इट कन्फर्म्स द शेप ऑफ ए हेयर पिन, सो इट इज कॉल्ड ए हेयर पिन कर्व। पहले बच्चों इसका शेप जो है ना, उसके शेप ही कन्फर्म कर देते हैं उसके नाम को। सो इट कन्फर्म द शेप ऑफ हेयर पिन, एक ऐसा शेप है हेयर पिन का, ये हेयर पिन का शेप लेता है, इसीलिए इट इज कॉल्ड ए हेयर पिन कर्व, इसीलिए इसका नाम हेयर पिन कर्व रख दिया गया है। इट इज लोकेटेड ऑन हिल साइड हैविंग द मिनिमम स्लोप एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। पहले बच्चों हिल रोड में आपका हेयर पिन कर्व देने का ये मतलब होता है कि ज्यादा हम स्लोप प्रोवाइड ना करें, ऐसा नहीं कि ज्यादा स्लोप प्रोवाइड करने से लैंडस्लाइड होने के खतरा होते हैं। तो आप चाहते हैं कि ज्यादा हम स्लोप प्रोवाइड ना करें और 180 डिग्री से मूव भी कर दें, ताकि हमारा मैक्सिमम स्टेबिलिटी बना हुआ रहे रोड का। तो इस तरह के सोच के लिए आपको आपको हेयर पिन कर्व देना होगा। तो ये बात लिखा, इट इज लोकेटेड ऑन हिल साइड हैविंग द मिनिमम स्लोप, वैसे जगह पे दिया जाता है जहां पे एकदम कम स्लोप है। इट इज प्रोवाइड एज कहाँ पे, एकदम कम स्लोप पे, जहाँ पे स्लोप मिनिमम होता, मतलब हम क्या बोले हिली एरिया किसको कहा जाता है, जिसमें 25% से ज्यादा क्रॉस स्लोप हो, इसका मतलब है 25 जहाँ पे होगा आसपास, करीब 25 के आसपास जहाँ पे क्रॉस स्लोप होगा, वहीं पे आपका ये हिल रोड प्रोवाइड किया, सॉरी ये आपका कर्व प्रोवाइड किया जाता है ताकि मैक्सिमम स्टेबिलिटी बना रहे। नेक्स्ट, इट मस्ट बी सेफ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लैंडस्लाइड एंड ग्राउंड वाटर। पहले बच्चों ये सेफ होता है किसके रिस्पेक्ट में, अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू ले लैंडस्लाइड का या ग्राउंड वाटर से, तो दोनों में सेफ होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला पहले, हेयर पिन कर्व वहीं हम प्रोवाइड करेंगे जहां पे मिनिमम कर्व होता है। तो मिनिमम कर्व पे मतलब मिनिमम स्लोप पे आपके लैंडस्लाइड के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों ये हमने पढ़ा हेयर पिन कर्व्स, अब हम लोग पढ़ेंगे साइलेंट कर्व। तो पहले प्यारे बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो पहले बच्चों हम लोग देखेंगे साइलेंट कर्व, ठीक है ना। देखिए पहले बच्चों साइलेंट कर्व क्या होता है, ऐसा कर्व जिसका कन्वेक्सिटी आउटवर्ड होता है। क्या बोले, हिल रोड के आउटवर्ड डायरेक्शन में अगर आपका कन्वेक्सिटी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऐसे कर्व को हम लोग कहते हैं साइलेंट कर्व। हमने फिर से सुनिए प्यारे बच्चों, हमने क्या बोला, हिल रोड के आउटसाइड आउटवर्ड डायरेक्शन में अगर आपका कन्वेक्सिटी शेप का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऐसे कर्व को कहते हैं साइलेंट कर्व। जैसा कि आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये जो कर्व देख रहे हैं, इधर से मान लीजिए रोड है, रोड से आया, पेवमेंट से आया, पेवमेंट देखिए आउटसाइड क्या आपका, देखिए तो कन्वेक्सिटी है,
आउटसाइड आपका कन्वेक्सिटी है दिख रहा है, तो आउटसाइड मतलब इधर साइड देखिए, ये आउटसाइड हुआ ना, ये आपका हिल साइड हुआ, वो आउटसाइड हुआ था, आउटसाइड अगर आपका कन्वेक्सिटी है तो वैसे कर्व को कहा जाता है साइलेंट कर्व। पर बच्चों इसमें एक डेंजरस पॉइंट क्या है ना कि विजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही खतरनाक होता है, खराब होता है, खराब का मतलब बच्चों जब यहां से बेंड करने जाते हैं ना, जब आप बेंड करने जाते हैं कर्व मुड़ने जाते हैं तो विजिबिलिटी बहुत ही खराब होता है। जब आप यहां पे रहिएगा ना तो आपको दिखेगा नहीं कि यहां पे कौन सा बंदा खड़ा है, जब बंदा खड़ा नहीं दिखेगा तो आप एक्सीडेंट कर जाइएगा, है ना। तो ये जो कर्व होता है बच्चों बहुत ही डेंजरस होता है, और जिस एंगल से वो बेंड करता है या जो बेंड करता है उस बेंड को कहा जाता है कॉर्नर बेंड। हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, जैसे जो जहां से यहां से बेंड किया ना तो उसको कहा जाता है कॉर्नर बेंड। अब देखिए प्यारे बच्चों पार्पेट वाल, पार्पेट वाल क्या होता था प्यारे बच्चों, तो इसमें देखिए पार्पेट वाल जो है ना वो आउटसाइड आउटसाइड ऑफ द साइलेंट कर्व में लगाया जाता है, साइलेंट कर्व के आउट, क्योंकि पहले जब यहां से आता है ना, जब यहां से मुड़ता है तो व्हीकल को डर होता है इधर निकलने का, किधर निकलने का, बाहर निकलने का, इसीलिए पार्पेट वाला आपको बाहर लगाया जाता है ताकि व्हीकल्स फॉल ना कर जाए, किधर बाहर, है ना। चलिए इट हैज कन्वेक्सिटी आउटवर्ड ऑन ए हिल रोड, प्यारे बच्चों साइलेंट कर्व क्या है, एक कन्वेक्सिटी है जो आउटवर्ड में बनाया जाता है हिल रोड के। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ साइलेंट कर्व लाइज बिटवीन द हिल साइड, प्यारे बच्चों जो सेंटर होता है इस कर्व का, साइलेंट कर्व का जो सेंटर होता है वो टुवार्ड्स किधर होता है, हिल साइड होता है, इधर हिल है प्यारे बच्चों, हमने बोला इधर हिल है तो हिल साइड ही इसका सेंटर बनता है, मान लीजिए इस कर्वेचर का सेंटर यहाँ पे होगा तो इसका जो सेंटर होता है वो हिल साइड होता है। द बेंड फॉर्म्ड बाय द साइलेंट कर्व, जो कर्व बनता है जो फॉर्मेशन होता है बेंड का साइलेंट कर्व में, तो क्या कहलाता है, नोन एज कॉर्नर बेंड, जो आपका बेंड बनता है ना, बेंड का जो फॉर्मेशन होता है साइलेंट कर्व में उसको कहा जाता है कॉर्नर बेंड कहा जाता है। दीज कर्व्स आर वेरी डेंजरस, पहले जो हमने बता चुका है ये कर्व बहुत ही डेंजरस होता है क्योंकि यहाँ पे विजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है, तो है दे डू नॉट प्रोवाइड एडिक्यूट विजिबिलिटी, अच्छे तरीके से विजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है। नेक्स्ट ए पार्पेट वाल इज प्रोवाइडेड, पार्पेट वाल इसमें प्रोवाइड किया जाता है, पार्पेट वाल आप समझ रहे हैं, पार्पेट वाल इज प्रोवाइडेड एट द आउटर एज ऑफ दिस टाइप ऑफ कर्व, इस टाइप के कर्व में आपका जो आउट ये पार्पेट वाल है जो आउटर साइड बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है, टू प्रिवेंट द व्हीकल्स फ्रॉम फॉलिंग, तो व्हीकल्स फॉल ना कर जाए, गिर ना जाए, किधर, डाउन द हिल स्लोप, हिल साइड में गिर ना जाए इसीलिए, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए ये हमारा था साइलेंट कर्व, अब हम लोग देखेंगे एडी इंटरेंट कर्व, तो चलिए पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे री इंटरेंट कर्व, देखिए प्यारे बच्चों री इंटरेंट कर्व क्या है, ऐसा कर्व जिसका कॉन्वेक्सिटी का शेप जो बनता होता है ना इनवर्ड बनता होगा, जबकि साइलेंट कर्व में हमने बताया आउटसाइड, है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों री इंटरेंट कर्व इज अ कर्व ऑफ हिल हैविंग इट्स कन्वेक्सिटी टुवार्ड्स ए हिल साइड, देखिए प्यारे बच्चों टुवार्ड्स हिल साइड कहने का मतलब क्या, मान लीजिए ये पहाड़ है, इसी पहाड़ के इस ये पहाड़ है और इस पहाड़ के चारों तरफ क्या जा रहा है, रोड जा रहा है, इतना सा देखे होंगे ये हिली एरिया में सब बनता है रोड वगैरह, तो देखते होंगे प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ तीन तरह का कर्व बना है, एक दो तीन, तो देखिए प्यारे बच्चों ये जो कर्व है ये साइलेंट कर्व है, क्यों, आउटसाइड क्या बना है आपका कन्वेक्सिटी, ये भी आपका साइलेंट कर्व, क्यों, आउटसाइड आपका क्या बना है कन्वेक्सिटी, लेकिन यहां पर देखिएगा प्यारे बच्चों तो इनसाइड बना है, कहां बना है इनसाइड, तो इनसाइड अगर कर्व कन्वेक्सिटी बनता है तो वैसे कर्व को कहते हैं क्या बोलते हैं री इंटरेंट कर्व, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इट इज अ कर्व ऑफ हिल हैविंग इट्स कन्वेक्सिटी टुवार्ड्स हिल साइड, हिल साइड की तरफ होता है, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस कर्व, और इसका जो सेंटर होगा प्यारे बच्चों वैली टाइप साइड हुआ, ये वैली होगा, तो एंड दिस कर्व लाइज अवे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस कर्व लाइज अवे फ्रॉम द वैली साइड, तो वैली साइड में होता है। री इंटरेंट कर्व आर लेस डेंजरस, क्या बोले प्यारे बच्चों, री इंटरेंट कर्व जो होता है ना बहुत ही कम डेंजरस होता है, बिकॉज देखिए प्यारे बच्चों जब आप यहाँ से यहाँ घूम रहे थे तो आपको विजिबिलिटी साथ सब जगह विजिबल है ना, विजिबल है ना, लेकिन ऐसा साइलेंट कर्व में नहीं होता है, तो इसीलिए प्यारे बच्चों री इंटरेंट कर्व थोड़ा सा कम डेंजरस है, कर्व है तो डेंजरस तो होगा ही होगा मगर कम डेंजरस है, बिकॉज ऑफ इट प्रोवाइड एडिक्यूट विजिबिलिटी, क्योंकि अच्छे तरीके से विजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। तो ये हमने पढ़ा प्यारे बच्चों टाइप्स ऑफ कर्व ऑन ए हिल रोड, अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ हिल रोड, हिल रोड को बनाया कैसे जाता है, तो चलिए प्यारे बच्चों पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखेंगे प्यारे बच्चों हिल रोड फॉर्मेशन, हिल रोड का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।
तो देखिए प्यारे बच्चों, हिल रोड को फॉर्मेशन करने के लिए बहुत सारे सिचुएशन आते हैं, जैसे कि देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ हिल रोड में बी डन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। हिल रोड का फॉर्मेशन बहुत सारे सिचुएशन में किया जा सकता है। पहला, रोड कंप्लीटली इन कटिंग, पूरा का पूरा रोड कट करके बनाया जाए, जो हिली एरिया ना उसको काट करके बनाया जाए रोड को, रोड कंप्लीटली एम्बैंकमेंट या रोड को पूरा भर के बनाया जाए, या तीसरा है रोड इन हाफ टनलिंग, रोड इन फुल टनलिंग, या पार्सली कटिंग एंड पार्सलिंग फिलिंग के सिचुएशन में बनाया जाए। तो चलिए पहले बच्चों हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला हम पहला सिचुएशन देखेंगे जिसका नाम है रोड कंप्लीटली इन कटिंग। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपका स्लोप बहुत ही ज़्यादा स्टीप है, देखिए बहुत ही ज़्यादा स्टीप है, तो ऐसा सिचुएशन रोड इन कटिंग फुल्ली कटिंग में आता है। कैसे प्यारे बच्चों? कंप्लीटली कटिंग में कैसे आता है? मान लीजिए प्यारे बच्चों, ये आपका कम क्या है, पूरा का मतलब बहुत ही ज़्यादा स्टीप है, तो इस केस में क्या जाता है ना कि यहाँ पे कटिंग करके यहाँ पे क्रॉस कैच वाटर डेड बनाया जाता है, इतना आपको कटिंग करके यहीं पे आपको कैरिज भी बनाया जाता है, यहीं पे आपका साइड ड्रेन बनाया जाता है। और ये देख रहे ना, ये आपका नेचुरल हिल स्लोप था, नेचुरल हिल स्लोप, ये जो देख रहे ना, ये लाइन आपका नेचुरल था, इसी को काट करके ये रोड बनाया गया है। तो ये देखिए प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा कटिंग, कहीं पे फिलिंग नहीं हुआ है, पूरा का पूरा कटिंग में चला गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था हमारा सिचुएशन कौन सा, पहला नंबर रोड कंप्लीटली इन कटिंग। तो चलिए पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, अब हम बात करेंगे रोड कंप्लीटली इन एम्बैंकमेंट। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे रोड कंप्लीटली इन एम्बैंकमेंट। देखिए प्यारे बच्चों, रोड कंप्लीटली इन एम्बैंकमेंट करने का मतलब है यहाँ पे कोई कटिंग नहीं हो, खाली भर कर एम्बैंकमेंट बनाकर आपका रोड बनेगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये ब्लू मार्कर से जो आप देख रहे हैं ना, ये आपका ओरिजिनल क्या था, स्लोप था, है ना, किसका, हिली एरिया का। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपका क्रॉस स्लोप बहुत ही कम, देखिए बहुत ही कम स्लोप है ना, बहुत ही कम स्लोप होता है प्यारे बच्चों, तो आप समझिए वहाँ पे एम्बैंकमेंट फिल करके एक बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए प्लेन रोड है, प्लेन रोड को गड्ढा करके थोड़ी ना रोड बनाया जाता है, प्लेन रोड में क्या क्या फिल कर किया जाता है, तीन चार मटेरियल, तीन चार लेयर बना के फिल करके रोड बनाया जाता है। तो वही बात है, अगर आपका क्रॉस स्लोप बहुत ही कम होता है ना, तो इस केस में आपको फुल्ली एम्बैंकमेंट करने का जरूरत पड़ता है। तो व्हेन द क्रॉस स्लोप द हिल इज वेरी स्मॉल, अगर आपके क्या कहता है, हिल का बहुत ही कम क्रॉस स्लोप है, तथा रोड इज लोकेटेड इन फुल्ली एम्बैंकमेंट, तो आपका रोड जो आ जाएगा फुल्ली एम्बैंकमेंट के केस में आ जाएगा। जैसे कि पहले बच्चों आप देख रहे हैं, ये आपका क्या है, ये ब्लू मार्कर वाला क्या है, नेचुरल क्रॉस स्लोप है जो बहुत ही कम है, इसीलिए देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, भर दिया हमने यहाँ पे क्या किया, रोड को पहले भर दिया, फिलिंग किया, जिसे एम्बैंकमेंट कर रहे हैं, और उसके ऊपर से कैरेज भी हमने बना दिया। तो ये हमारा था पहले बच्चों रोड कंप्लीटली इन एम्बैंकमेंट। चलिए नोट डाउन कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे रोड इन हाफ टनलिंग, रोड इन हाफ टनलिंग। तो देखिए प्यारे बच्चों, रोड इन हाफ टनलिंग का बनाया जाता है, रोड इन हाफ टनलिंग में बी कंस्ट्रक्टेड इफ अलोंग विथ रोड, रोड के अलोंग द हिल स्लोप इज साउंड। प्यारे बच्चों, ये आपका रोड इन हाफ टनलिंग तब बनाया जाता है जब आपके रोड के अलोंग स्लोप जो होता है वो क्या होता है, साउंड या सॉलिड, मतलब बहुत ही सॉलिड स्लोप होता है प्यारे बच्चों, है ना। अगर आपके रोड के अलोंग आपका जो स्लोप है एकदम सॉलिड है, तो आपको हाफ टनलिंग बनाने का जरूरत पड़ता है, एंड इट मे नॉट स्लाइड बिकॉज ऑफ हार्ड रॉक। प्यारे बच्चों, हम क्या बोले, इतना सॉलिड स्लोप होता है कि ये इसमें क्या होता है, स्लाइड, मतलब इतना हार्ड रॉक होता है कि स्लाइड होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, तो रोड इन हाफ टनलिंग बनाया जाता है, इस तरह का फिगर होता है। पहले बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका फिगर है रोड इन हाफ टनलिंग का, है ना, कोई खास फिगर नहीं, कोई समझने का भी जरूरत नहीं है, बस इतना जानिए कि जब आपके रोड के अलोंग स्लोप जो है वो बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही हार्ड है, उसमें स्लाइड डाउन होने की जरूरत नहीं पड़ते हैं, तो आपको रोड इन हाफ टनलिंग बनाया जाता है, इस प्रकार का इसका फिगर है। ये आप देख रहे हैं नेचुरल आपका क्या है, ये आपका स्लोप है।